हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ और लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने फ्रीचार्ज वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी बताऊंगा आपके अगर फ्रीचार्ज वॉलेट में आप जो बैलेंस पड़ा है उसको आप बैंक अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। एक आपको फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का बताऊंगा, साथ ही फ्रेंड्स आप अपने फ्रीचार्ज वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर करने वाले हो या ट्रांसफर कर सकते हो ये भी मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। समझे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अगर आप अपने फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको स्नैप पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, या फ्रेंड्स आपने अगर ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है तो फ्रेंड्स इसको आपको लॉगिन करना है या आपको साइनअप कर लेना है, आपको अकाउंट क्रिएट भी कर लेना है अगर आपने नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं। इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंप्लीट ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूटिलिटी पेमेंट का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसे यूटिलिटी पेमेंट पर क्लिक कर देते हो तो फ्रेंड्स उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपने फ्रीचार्ज वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो या फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो उसका आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। वो अकाउंट नंबर और आप अपनी बेसिक डिटेल डालोगे तो फ्रेंड्स उस अकाउंट में आपके जो भी फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट जोड़ रखा है तो आपको यहाँ पर अकाउंट शो हो जाएगा। अगर आपने पहले से नहीं जोड़ रखा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे आप ऐड न्यू पे करोगे यहाँ पर आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल डाल के अपना अकाउंट ऐड करना है। सिंपल, आपको अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो भी अकाउंट में नाम है वो नाम, निक नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने मोबाइल नंबर डालने, अकाउंट नंबर डालने, वापस से वो अकाउंट नंबर डालने, IFSC कोड डालने और सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स सभी डिटेल सेव करने के बाद आपके सामने वहाँ पर अकाउंट शो होने लगेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपको अकाउंट शो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने सेंटर पर आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पर्पज़ में जनरल पेमेंट कर देना है, रिसीवर में यहाँ पर आपको सेम ही रहने देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप सेम डे में पैसे चाहते हो या इंस्टेंट पे करना चाहते हो। इंस्टेंट पे यहाँ पर बार बार नहीं होगा, सेम डे करोगे थोड़ा चार्ज भी कम लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेम डे करना है और यहाँ पर आपको पैसे डाल देने कि आपके फ्रीचार्ज पे लेटर में आपको जो भी बैलेंस है वो वहाँ पर आपको एंटर कर देना है, जितने भी ट्रांसफर करना चाहते हो वो। इसके बाद में नीचे आपको पे नाउ दिख रहा है, पे नाउ करना है। जैसे आप पे नाउ करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक वॉलेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर आपको वॉलेट वन पे क्लिक नहीं करना है, आपको वॉलेट टू जो दिख रहा है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये वॉलेट टू आपको सेलेक्ट कर लेना है। वॉलेट टू आप जैसे सेलेक्ट करते हो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने वापस से काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कम्प्लीटली। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, वॉलेट का, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, लेजी पे, गूगल पे। ठीक है, तो आपको सबसे सेकंड नंबर पर जो दिख रहा है वॉलेट का, इस वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर वापस से आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, एयरटेल मनी, फ्रीचार्ज पे लेटर, UPI वॉलेट। ठीक है, तो आपको सेकंड फ्रीचार्ज पे लेटर UPI दिख रहा है, आपको बस इस वाले पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे फ्रीचार्ज पे लेटर यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और इससे पहले आपको यहाँ पर एक बात लिखी हुई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ कीप मोबाइल हैंडी टू कंप्लीट पेमेंट विथ OTP, यानी फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, उस OTP को आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आपको पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो भी आपके फ्रीचार्ज पे लेटर में रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स हम प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स अब क्या होगा, आपके जो भी फ्रीचार्ज में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको इस वाले पे बॉक्स में डालना है और यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू दिख रहा है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपका जो भी फ्रीचार्ज में जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। सॉरी, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको जो फ्रीचार्ज में जो भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको ये दिख रहा है इस वाले पर क्लिक कर देना है पे। तो फ्रेंड्स आपका जो भी फ्रीचार्ज पे लेटर में जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इजीली। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फ्रीचार्ज वॉलेट बैलेंस को आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो आपको यहाँ पर फ्रीचार्ज पे लेटर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो सेम यही आप यहाँ पर